भगवान श्री कृष्ण ने बलदाव जी ने इतने बिठा रखे हैं, इतने बर्ताव बिठा रखे हैं कि जगह 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 प्याऊ लगी हुई हैं, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, जगह जगह मेडिसिन वाले दवाइयों वाले बैठे हुए हैं, जगह जगह नाश्ते वाले लगा खिलाने वाले बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा बंदोबस्त। MP के लोगों से मतलब ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर गंदगी मचाते हो, तो MP के लोग बिल्कुल यहाँ पर ना आए, परिक्रमा देने के लिए बिल्कुल भी ना रोकें। अगर आएँ तो घर से व्यवस्था कर कर आएँ, क्योंकि हमने 6 दिन से परिक्रमा लगा रहा है, तो जहाँ पर हम रोकने की बोलते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही बात होती है कि MP के लोग गंदगी मचाते हैं। MP के लोग क्यों आपको बोल रहे हैं कि ये इसलिए नहीं ठहराते, इनको जहाँ ये ठहरते हैं ना वहीं गंदगी फैलाते, वहीं तो थूकते हैं, वहीं टट्टी करते हैं, वहीं पेशाब करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रज है और यहाँ पे तो सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर वो ये सब देखेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि ब्रज बहुत गंदा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, और जैसा कि आपको पता है सावन मास चल रहा है और ब्रिज में ब्रज की परिक्रमा चल रही है 84 कोस की, और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। तो आज उनसे बात करते हैं, श्रद्धालुओं से पूछते हैं इनमें परिक्रमा देने में क्या क्या कठिनाई आ रही हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, जिसके सिवाय ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग चल रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो बाबा ब्रज परिक्रमा कर रहे हो? हाँ, 84 कोस की। तो कितने दिन हो गए करते करते परिक्रमा? कम से कम आज 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। तो कहाँ से आए हुए थे? MP से। MP में कहाँ के रहने वाले हो? मुरैना। मुरैना के रहने वाले हो। तो परिक्रमा में किसी प्रकार की समस्या जैसे कोई नहीं? हमको तो सब अच्छा काम सब आ रहा। तो खाने पीने की सारी व्यवस्था? सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया, बाकी बिहारी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जो दंगा हुआ था नूह में, तो ये तुम्हारे सामने? तो हमारे से पहले हुआ था, आप बाद में आए हो। आप तो भैया सब बढ़िया ना? सब बढ़िया एकदम झकाझक। और कुछ बोलना चाहोगे? आपको श्रद्धालु देख रहे हैं, आपके गाँव वालों को या किसी को कुछ बोलना चाहोगे कि परिक्रमा आपने पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? दो बार ठीक है। तो अम्मा राधे राधे। राधे राधे। तो अम्मा कहाँ से आए हैं आप? हम MP से। MP से आए हो परिक्रमा करने के लिए? तो पहली बार ही आए हो, इससे पहले भी आ चुके? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हो। तो परिक्रमा मतलब करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको समझ? कठिनाई ये आई कि MP के लोग रोकने नहीं देते, वो बदनाम करते हैं कि गंदगी मचाते हैं, जे वो फलान का दुनिया परेशान करते। MP वालों को बैठने नहीं देते, UP वालों को बैठाते हैं। मतलब MP वालों जो है बोलते हैं MP से आए, उनको बैठने में नहीं देते, बोलते हैं कि बहुत सारी आप गंदगी फैला रहे हो आप, तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, और पानी वगैरह आ जाए तो अपन छुपने की कोशिश करो तो भी छुपने नहीं देते बिल्कुल। तो कहीं भी ठहरने की कोई मतलब ठहरने को लेके काफी समस्या? और बाकी खाने पीने की कोई समस्या? खाने पीने की कोई समस्या नहीं। खाने पीने वालों ने कभी नहीं पूछी हमसे, ना चाय वालों ने, फ्री सेवा वालों ने कभी कुछ नहीं पूछा। जो ठलुआ लोग बीच में परेशान करते, जो कुर्सी डाल के बैठे जाते परिक्रमा, वे लोग परेशान करते। उन लोगों ने ज्यादा परेशान किया है? वे गाँव कई गाँव ऐसे है जहाँ खड़े नहीं होने देते, वे बिल्कुल भी खड़े नहीं होने। नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ, ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं बताया? आप बता रहे हो जाते बन जाते? नहीं नहीं, MP वालों से किसी से ही पूछ लो, सब बताएंगे। MP लोगों से? केवल MP वालों से? हाँ, सब सब पूछेंगे। MP वालों को भी कहते हैं गंदगी मचाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं, गद्दा बिगाड़ जाते, जेब वो बिगाड़ते, तरह तरह की बातें। देखो परिक्रमा है 84 कोस की, काफ़ी बड़ी परिक्रमा है। इसमें क्या है कि आदमी वैसे परेशान भी हो जाता है, और सब तरह की कोई ज़बरदस्ती तो कोई गंदगी नहीं फैलाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो उसको लेकर भी हो सकता है। लेकिन ये आप बोल रहे हो कि आपको नोटिस किया जा रहा है कि केवल MP वालों को ही ये सब हो रहा है, तो बाकी MP के क्या है? आप देख रहे हो पूरे देश से लोग परिक्रमा करने के लिए MP के किसी भी लोग से पूछोगे आप तो यही बोलेगा वो, क्योंकि MP के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। अपन बैठो तो दरवाजे से उठा देते, अपन छाया माया में बैठो उनके तो उठा देते, बैठने भी नहीं दे रहे हो? यूपी के हो तो बैठे, कई जगह हमें झूठ बोलना पड़ा कि हम यूपी। वो भी उनको अपनी परेशानी है, वो भी आपको बताएंगे। अभी यही परेशानी है कि रास्ता में जैसे हम और बैठे तो ये पूछते हैं आप कहाँ के हो, अगर MP के हो तो आप आगे जाइएगा, और UP के हो, उड़ीसा, मद्रास, कहीं के भी हो तो बैठ जाओ, रुक जाओ। रात में यही हुआ था तो हमारे अनुकूल नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोई जैसे किसी ने गंदगी फैलाई होगी और वो लोग शायद MP का होगा, उसके लोग उसी को लेकर लोग चिढ़ रहे हैं कि MP के लोग ही गंदगी फैला रहे हैं, यानी किसी एक ने गंदगी फैलाई होगी और उसके लिए को सारे MP को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, सारे MP को बदनाम किया जा रहा है। वो कहते हैं तो कहते नहीं नहीं जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ठीक है अम्मा, राधे राधे। राधे राधे। और बाकी परिक्रमा में तो सब सही है ना? वैसे परिक्रमा में ना तो हमें कहीं कोई चीज की परेशानी नहीं भाई, किसी चीज की सिर्फ जी आदमी से परेशान है, 2-4 गांव में तो बहुत परेशान। अम्मा कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे होते हैं कि नहीं, कि आदमी को ये सोचना चाहिए कि काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। हमने तो ये बोला उनसे
कि भाई जिस सरकार से मांग करो कि एमपी के आदमी ना आए, उनसे क्यों ऐसा थोड़ी होता है, हम मांगे एमपी के लोग ना आए तो ब्रजेश सबका है, वही तो कह रहे हैं उनसे बोल के आ कि आप मांग करो कि एमपी के आदमी को बंद किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम में ताकत है तो बंद करवा दो, और नहीं तो फिर कोई रोक नहीं। ब्रज पे तो सब भगवान पे सबका हक है, ये थोड़ी है कि भाई एमपी के लोग आएंगे, आना तो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी परेशानी से जिएगा भाई, तुम परेशान करो भाई, आदमी सड़क पे तो सोए, अब तो सड़क पे ही नहीं सोने दीजिए थोड़ी, ठीक है महाराज। तो दोस्तों अभी हमें एक भैया और मिले हैं, उनसे बात करते हैं, उनके उनका हाल पूछते हैं, ब्रज परिक्रमा करके उनको कैसा लग रहा है। तो भैया राधे राधे। राधे राधे भाई जी। तो मुझे क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश चंद शर्मा है। और आप कहाँ से आए हो? वैसे तो मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ, नियर बाई बादना जट्टारी। यस। लेकिन मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा पलवल से आया हूँ। पलवल से आए हो? तो ब्रज परिक्रमा करने के लिए पहली बार आए हो? हाँ मैं पहली बार आया हूँ भैया जी। पहली बार आए हो? हाँ जी। तो अभी कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मैंने दाऊजी मंदिर पंचारी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पलवल में पड़े है। यस। वहाँ से आ रहा हूँ। तो मतलब परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट किया? वहीं दाऊजी का मंदिर है बंचारी से। बंचारी में तो वहाँ से स्टार्ट किया है। तो अभी कितने दिन हो गए परिक्रमा करते करते? मुझे आज पांचवा दिन है। पांचवा दिन है तो अभी और एक दो दिन और लग जाएंगे, दो तीन दिन? मैं भी दो दिन तो लग जाएंगे। दो दिन तो लग ही जाएंगे। तो परिक्रमा में किसी प्रकार की समस्या कोई, जैसे कि काफी लोग बताया था समस्या देखने नहीं आए हम। यस। पर अगर कहें सनातन समाज की तरफ से हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से तो समस्या तो जिंदगी का एक पार्ट है। नहीं वो अलग है, एक होता ना परिक्रमा में लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं वही कहने जा रहा हूँ, जो परिक्रमा में जो समस्या आ रही है वो आ नहीं रही है, उनको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण ने बलदाव जी ने इतने बिठा रखे हैं, इतने बर्ताव बिठा रखे हैं कि जगह 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 प्याऊ लगी हुई हैं, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, जगह जगह मेडिसिन वाले दवाइयों वाले बैठे हुए हैं, जगह जगह नाश्ते वाले खिलाने वाले बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा बंदोबस्त है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भगवान अगर मुझे कहे तो मैं यहीं चलता रहूं, बस ब्रज में रहने का मतलब हाँ, मतलब यही है, जबकि मैं रिटायर्ड भी हूं, अभी नौकरी भी कर रहा हूं, मुझे आनंद की अनुभूति यही हो रही है, आनंद का दूसरा शब्द कोई है नहीं। तो ब्रज का जो बोलते हैं कि ब्रज में रस है और आनंद है उसकी अनुभूति हो गई यहाँ में? तो भैया कोई सके ही ना, बहुत अच्छी बात है कि तो और गया, बहुत ही रस है, और जो रस ब्रज में है वो तो कहीं मिल ही ना सके। ठीक है जी, राधे राधे। राधे कृष्ण भैया। तो बाबा कहाँ से आए हो? मैं तो ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा करके आया हूँ। परिक्रमा तो कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग भी परिक्रमा देख रहे हैं, श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब रहने वाले कहाँ के हो आप? लोहन का हूँ मैं, यही मथुरा वार्ड नंबर 7 का। अच्छा मथुरा के रहने वाले हो, तो परिक्रमा कहाँ से, मथुरा से स्टार्ट की थी? ये गोकुल से, यमुना जी से, बैराज से। बैराज से स्टार्ट की थी, तो ऑलमोस्ट अब तो पूरी होने वाली, क्योंकि गोकुल में आप पहुँच चुके हो। हाँ। तो कितने दिन हो गए परिक्रमा करते करते? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो परिक्रमा में किसी प्रकार की समस्या, जैसे कि लोग ने बताया कि काफी समस्या आ रही है, किसी को ठहरने की समस्या आ रही है, तो ऐसी कोई समस्या आपको आई? कोई समस्या नहीं, लोग पकड़ पकड़ के सवा रहे हैं, अपने घरों में सवा रहे हैं, खवा रहे हैं, पिवा रहे हैं, इतना बांट रहे हैं, खब्बे में नहीं आ रहा, परदेसी बिगाड़ रहा, फेंक रहा, ताजा मतलब अच्छा बंदोबस्त है, अच्छा बंदोबस्त है, बस बंदा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं मिल रही हो, भगवान कृष्ण की नगरी में ऐसे बरस रहा है कि देखते रह जाओगे। हर ब्रज में जो रस है, लोग कहते हैं कि जो बाहर के लोग ज़्यादातर आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे वृंदावन और मथुरा में एक ब्रज में, यानी कि सारे ब्रज में एक रस का अनुभूति होती है, तो ऐसा कुछ आपको लगा? हाँ होता है ना, ऐसा ही लगा ऐसे ही होता। ठीक है राधे राधे। दुनिया रमण बिहारी में रमण मार रही है, बालू डाल रही है, लेट रही है, नाच रही है, अपने ऊपर डाल रहे एक दूसरे के ऊपर, ये कहीं नहीं मिलता है। तो ये तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज है, इसको लगाने से काफ़ी आनंद महसूस होता है। महसूस होता है, इससे न तो सावन की ज़रूरत होती, न सावन की ज़रूरत होती, और ना ही जो मेला होने की चिंता रहती, इसमें कोई मेला नहीं होता ऐसे बालू में। ठीक है बाबा, यमुना रज की जय, यमुना मैया की जय। तो दोस्तों अभी कुछ भैया और मिले हैं ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करते हुए, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका हाल। तो भैया राधे राधे। राधे राधे। तो भैया कहाँ से आए हो? एमपी से आए हो। तो क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह राघवंश। तो ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा कर रहे हो? और क्या। तो कितने दिन हो गए परिक्रमा करते करते? 6 रोज हो गए, मतलब 6 दिन हो गए है ना। तो परिक्रमा में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को मिली? समस्या नहीं, ये लोग बेकार हैं देखे, मतलब ब्रज के लोग बेकार हैं। और क्या, ऐसा आप बोल रहे हो? यहाँ तो अभी काफ़ी लोगों से बात की, बोला ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है लोगों ने। अरे भाई एमपी करते हैं, एमपी के कई खराब हैं लोग, मतलब एमपी के लोगों को मतलब खराब बताते हैं। और क्या। और भैया आपको भी कुछ लगा ऐसा? तो एमपी के लोगों से मतलब ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं,
कि आप यहाँ पर गंदगी मचाते हो तो एम पी के लोग बिल्कुल यहाँ पर ना आए परिक्रमा देने के लिए, बिल्कुल भी ना रोकें। अगर आए तो घर से व्यवस्था कर कर आए, क्योंकि हमने 6 दिन से परिक्रमा लगा रहा है, तो जहाँ पर हम रोकने की बोलते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही बात होती है कि एम पी के लोग गंदगी मचाते हैं, एम पी के लोग यहाँ पर ना रोकें। तो ऐसा हुआ होगा ना किसी एक ने गंदगी मचाई होगी जिससे पूरा एम पी बदनाम हो रहा है, तो ऐसे एक ना किसी ने भी कर दिया होगा एम पी की यूपी के नथले पूरे एम पी क्यों बदनाम है। ऐसा नहीं होता है किसी एक के कहने पे पूरा ऐसा थोड़ी है कि पूरा राज्य बदनाम हो जाएगा। हाँ किया तो एक ने है, लेकिन बदनाम सारे लोग हो रहे हैं, मतलब लोगों को दूषित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब सभी लोगों को बोल रहे हैं, किया तो एक ने है, मतलब ठहरने में प्रॉब्लम आई है। हाँ ठहरने में प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं होता है कि भाई एमपी लोगों को आप बोल रहे हो कि एमपी के लोगों को रोक दिया जाए प्रचार में, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी तो ये सब रोकेंगे, सब आते हैं, फिर को आ रहा भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग अगर ऐसे कुछ बोल रहे हैं तो उनके मतलब खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, कि ऐसा थोड़ी होता है किसी एक के कहने पर आप पूरा एमपी बदनाम करोगे। नहीं किया एक ने है, लेकिन सबको सजा मिल रही है, किया तो एक ने है ना, कौन ने किया है ये पता भी नहीं, लेकिन एमपी पूरे ने को बदनाम कर रहे हैं कि एमपी बारे खराब है। यहाँ पे आपको बोला है वहाँ पे एमपी के लोगों ने कुछ उधर पे मचाया हो या फिर कुछ एमपी बारे गंदगी मचा रहे हैं, कोई गंदगी नहीं मचा रहे एमपी बारे। ठीक है भैया, तो दोस्तों अभी आपने देखा हमने काफ़ी लोगों से बात की, जिसमें हमारे पूरे देश से लोग दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन हमने जो एमपी के रहने वाले लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि एमपी के लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उनको ठहरने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको उचित व्यवस्था नहीं मिल रही मतलब ठहरने के लिए, क्योंकि लोगों को किसी एक बंदे ने एमपी के यहाँ पे गंदगी फैलाई है, उसकी वजह से पूरा एमपी इन्होंने बदनाम किया हुआ है, कि बोल रहे हैं कि एमपी के लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए ना है तो ही बेहतर है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि किसी एक के कहने पर पूरा राज्य बदनाम हो जाएगा, लेकिन यह है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई जो जिसने गंदगी फैलाई वो निकल चुका है, अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा एमपी ही गंदगी फैलाएगा। तो दोस्तों मैं उन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई जो श्रद्धालु हैं काफ़ी दूर से मेहनत करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करें और उन्हें अच्छे से ठहरने की व्यवस्था कराएँ, उनका उनको आराम से ठहरने दें, उनके साथ कोई भी ऐसा दबाव ना करें जिससे उनको आने में परेशानी हो, और वो ये बोल के जाएं कि ब्रज में ब्रज के लोग ख़राब हैं। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सब लोग जो देख रहे हो तो एमपी के लोगों से आपके आसपास कोई भी ऐसा कोई उन लोगों के साथ ऐसा उपद्रव कर मचा रहा है, कोई भी कर रहा है उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उन लोगों को मना कीजिए कि ऐसा नहीं है कि एक किसी एक बंदे के पीछे पूरे एमपी को बदनाम किया जाए। तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ है तो वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो बाबा राधे राधे। राधे 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 राधे। तो बाबा 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हो आप? हाँ हाँ। तो कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? हम आते बरसाना के पास के हाथिया के। हाथिया के रहने वाले हो, तो आप हम भी बरसाना से हैं। हाँ। तो आप हमारे पास से आए हो? हाँ जी। तो बाबा ये कि परिक्रमा में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना? कोई समस्या ना, सब शब्द। तो आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई थी? कामा से उठाई थी। तो अभी एक दिन में मतलब कल तक पूरी हो जाएगी एटलीस्ट? कल ना हो, परसों तक पूरी हो जाएगी, 2 दिन और लग जाएंगे। तो अभी कितने दिन हो गए? आ जाएगी चौथा दिन आए। चौथा दिन बहुत जल्दी, 4 दिन में कर ली? हाँ 4 दिन में ही काम चले। तो बाबा जैसे कि लोग बता रहे हैं कि एमपी के लोगों से मुलाकात हुई थी, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं परिक्रमा में ठहरने को लेके, तो ऐसी मतलब कोई समस्या आपको देखने को मिली? समस्या ये है जंगल हो डटे जाए, मतलब यहाँ पे जो ये एमपी के लोग है रियल में ये सच है, मतलब ये गंदगी फैलाते हैं? गंदगी फैला में एक जगह पे जा, ना फैला भी की। मतलब परिक्रमा में जहाँ लोग बैठते हैं उस जगह पे वहीं कर रहे हैं, ये जगह रात के 1 बजे और जहाँ सोएंगे वहीं बैठ जाएंगे जंगल। तो ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। आप एक जंगल में जाए, वो कुछ श्रद्धालु मिले थे वो बोल रहे थे कि हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है ठहरने को लेके, हमें ठहरने नहीं दिया जा रहा। हाँ, और कई गांवों में उनके साथ बोल रहे थे कि ऐसा हुआ कि उन्हें बिल्कुल नहीं रहने दिया, मना कर दिया कि एमपी के रहने वाले हो तो आगे चले जाओ। हाँ जंगल भरे में निकाल दे, रिटर्न ना दे रहे हो कोई। तो आप भी कुछ बताओगे? राधे राधे। राधे राधे। तो आप भी कहाँ से आए हो अंकल जी? मैं नरियाले से आया हूँ। नरियाली कहाँ पड़ता है? हमारा थाना छायसा लगता है, बल्लभगढ़ तहसील में। अच्छा, बल्लभगढ़ तहसील से आए हो? बल्लभगढ़ हरियाणा से? हरियाणा के रहने वाले? हरियाणा से।
तो आपको कितने दिन हो गए परिक्रमा करते हुए? चौथा दिन है हमें, पांचवा। तो आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे देखने? कोई समस्या नहीं, इतने भंडारे लग रहे हैं, इतनी सेवा हो रही है, बहुत तगड़ी सेवा, सेवा अच्छी चल रही है। तो ये लोग एमपी के लोग क्यों आपको बोल रहे हैं कि ये इसलिए नहीं ठहराते, इनको जहाँ ये ठहरते हैं ना वही गंदगी, वही तो थूकते हैं, वही टट्टी करते हैं, वही पेशाब करते हैं। तय नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ब्रज है और यहाँ पे तो सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर वो ये सब देखेंगे, वो ये सब देखेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि ब्रज बहुत गंदा, बहुत गंदा, गंदगी बहुत फैला। अगर ये गंदगी फैलाए तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है ब्रज में आने की। मैंने खुद ने देखा है, उनको ये बोला भैया देखो लैट्रिन जाओ बाहर, हाँ आराम से ठहरो, दूर दूर खेत बने, दाल ले लो और वो ले लो, अपना खाना बनाओ और खाओ, आओ आराम से, कोई दिक्कत। वो मतलब इतनी गंदगी उन्होंने कर दी, वो रात को उठा के भगाए वहाँ, क्या करे। तो ये हाँ तो मजबूरी है, सही है, इनको तो ऐसे ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। अरे उनकी सेवा में भी कोई कमी नहीं है, सेवा भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना गंदगी बहुत फैला, गंदगी की वजह से उनको सुनना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। जहाँ जो नीचे जो बिछा रखा है ना वहाँ टट्टी करके उसी को उसको ढक देते, ये गलत, ये तो बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना गंदा फैला रहे। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो बाबा क्या नाम है आपका? रघुनाथ। रघुनाथ, तो कहाँ से आए हो बाबा, कहाँ के रहने वाले हो? रागढ़ के। कहाँ पे? रागढ़ के। ये कहाँ पड़ता है? ये गुना जिले में। कहाँ पे, मतलब राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। एमपी के रहने वाले हो, तो परिक्रमा कर रहे हो, कितने दिन हो गए परिक्रमा करते करते? 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। तो परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट की थी? गोकुल पे से कही की थी, गोकुल बैराज, गोकुल बैराज से। तो आज पूरी हो जाएगी आपकी परिक्रमा। तो परिक्रमा में किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी ने कोई सताया हो या फिर किसी ने किसी आपके साथ व्यवहार किया, ऐसा कुछ मिला आपको? कोई नहीं सर, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात की थी यहाँ पे के, और एमपी के लोग थे वो, उन्होंने बताया कि भाई हमको ठहरने में प्रॉब्लम आ रही है, हमको ठहरने नहीं दिया जा रहा। नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बढ़िया, सब वहाँ के बिहारी कृपा से सब आनंद आ रहा है? हाँ बढ़िया। तो पहली बार आए, उससे पहले नहीं? एक बार और आ गए, ये तीसरी बार आ गए। तो बाबा तीसरी बार आए, तीन बार आए। तो आपकी तो आप काफ़ी उम्र हो गई, कितनी एज हो गई होगी आपकी? 60-70। 70 के करीब पहुंच गई। तो परिक्रमा कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही? कोई परेशानी नहीं, कोई थकावट जैसे होता ना कि भाई बुजुर्ग आदमी है तो उस हिसाब से परिक्रमा? कोई थकावट नहीं। तो बाबा सब अच्छा लग रहा है, वहाँ के बिहार की कृपा, सब आनंद आ रहा है? ठीक है बाबा, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। तो क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू नाम है आपका, कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? हड़ा के। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी के रहने वाले हो? तो कितने दिन, मतलब परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट की थी आपने? जय गुरुदेव से। जय गुरुदेव सर। अभी कितने दिन हो गए परिक्रमा करते करते? आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो परिक्रमा में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिली? नहीं, कुछ समस्या नहीं पड़ी यार, क्योंकि आपके एमपी के कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको ठहरने नहीं दिया जा रहा, कि हम लोग बोलते हैं एमपी के रहने वाले तो बिल्कुल भी किसी गाँव में ठहरने नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ है कि? नहीं, खाने पीने की व्यवस्था सब करीबन खूब अच्छे रखे हमें तो। हाँ, तो ठहरने में लेके कुछ कोई कमी नहीं मिली? सब बात गलत है, ये बात सही है कि बहुत व्यवस्था करी उन्होंने। तो ये बोला, इतने यहाँ तक बोला कि एमपी के लोगों से मना कर रहे हैं कि एमपी के लोग परिक्रमा करें? नहीं, हमें कोई किसी ने नहीं रोका, हमें तो आपको किसी ने नहीं रोका? बिल्कुल किसी ने। तो ये लोग झूठी बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठी बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि एमपी के लोग गंदगी फैला रहे हैं, इसलिए एमपी का नाम लेते ही लोग? कोई नहीं कही हमसे तो। तो वैसे परिक्रमा में सब आनंद बरस रहा है, सब खूब आनंद मंगल हुआ? तो पहली बार ही आए हो? इससे पहले? पहली बार आए हम तो, पहली बार। तो आपको अच्छा लगा? तो अगली बार आओगे? नेक्स्ट बार जरूर आएंगे, जरूर। ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे। मैं वृंदावन से आया हूँ। वृंदावन से ही जी। तो परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट की थी? यहीं गोकुल सामने से, यहाँ आप पूरा होने वाला है। तो अभी कितने दिन हो गए परिक्रमा? आज सातवां, आज आठवां दिन है। आज आठवां दिन, 8 दिन हो गए जी। तो परिक्रमा में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को? कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। बांके बिहार की उनके कृपा से बहुत आनंद से परिक्रमा लग गया। और कुछ बोलना चाहोगे? हमारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं कुछ? पर अपने यूपी में रोड थोड़ा सा कि वो कमी तो है, रास्ते को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है। और बाकी वैसे राजस्थान में बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है, राजस्थान में बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया है, व्यवस्था आपकी बार बहुत अच्छा है। आपकी बार अच्छा है, मतलब खाने पीने से? खाने पीने के बहुत जनता, मतलब कोई परेशानी नहीं हो रहा है लोगों को? कोई परेशानी नहीं हो रहा है, सब लोगों को आनंद है, बढ़िया से परिक्रमा लग रहा है, और ठाकुर जी की इच्छा से लग रहा है। अपने कोई अपने आप सोचे हम लगा रहे हैं तो उसको ही लगाने से नहीं, क्योंकि 84 कोस करीब करीब 225 किलोमीटर हो जाता है। हाँ। और जैसे किसी प्रकार की कोई समस्या तो कोई है नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्वस्थ हैं, सब आनंद बरस रहा है। बढ़िया आनंद ही आनंद है, सर्वानंद है। ठीक है बाबा, नगरी में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा नाम रामाधर मिश्र है। जय श्री राधे।